बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 25 का लेक्चर नंबर 11 है और टॉपिक है आपका लाइकन्स का, और आपका टॉपिक चल रहा है ओवरऑल सिम्बायोसिस म्यूचुअलिज्म, और म्यूचुअलिज्म की एक टाइप होती है लाइकन। सो लाइकन आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, लाइकन को दोबारा देख लें डिटेल से। शॉर्ट क्वेश्चन है कि लाइकन इज ए डुअल ऑर्गेनिज्म। लाइकन क्या होता है? एक डुअल ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब दो जानदार होते हैं लाइकन के अंदर, कंपोज्ड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन अल्गा या अल्जी लिविंग विद इन द फंगस माइसीलियम। ठीक हो गया? तो लाइकन क्या है? एक डुअल ऑर्गेनिज्म है, दोहरा जानदार है, इसमें दो जानदार होते हैं लाइकन के अंदर, कंपोज्ड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ अल्गा, एक जानदार अल्गा है जो कि क्या करता है, लिविंग विद इन ए फंगस माइसीलियम, और ये जो अल्गा है ये फंजाई की बॉडी के अंदर रहता है, और फंजाई की बॉडी को आप माइसीलियम कहते हैं, द बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम, और ये जो अल्जी है दैट लिव विद इन द फंगस माइसीलियम, यानी कि फंगस माइसीलियम ऊपर होगा बाहर की तरफ होगा, और उसके अंदर कौन रहेगा? अल्जी रहेंगे, अल्गा रहेगा। द लाइकन ग्रो ऑन एक्सपोज रॉक सरफेस। अब ये जो लाइकन है कहाँ ग्रो करते हैं? एक्सपोज्ड रॉक सरफेस, चट्टानों के ऊपर ये उगते हैं, एंड आर इम्पॉर्टेंट कॉलोनाइजर ऑफ बेयर लैंड, और जो बेयर लैंड होती है यानी कि जो बंजर जमीन होती है वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट कॉलोनाइजर हैं, ये वहाँ पे कॉलोनियाँ बनाते हैं, वहाँ पे ये रहते हैं। सो शॉर्ट क्वेश्चन है या व्हाट आर लाइकन्स, आपने ये लिख देना है कि लाइकन इज अ ड्यूअल ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन अल्गा विद इन ए फंगस माइसीलियम, द लाइकन ग्रो ऑन एक्सपोज्ड रॉक सर्फेसिस एंड आर इम्पॉर्टेंट कॉलोनाइजर ऑफ बेयर ग्राउंड। ये देख लें, मैं थोड़ा सा इसको और तरीके से आपको समझा देता हूँ कि लाइकन किस तरह होते हैं और लाइकन किस के एसोसिएशन को आप कहते हो। कि लाइकन में बेटा एक पार्टनर फंजाई होता है, फंजाई मस्ट है लाइकन में, इसके अलावा फंजाई के साथ अल्जी हो सकते हैं, फंजाई और अल्जी के एसोसिएशन को भी आप क्या कहते हो? लाइकन कहते हो। फंजाई और सियानोबैक्टीरिया, इन दोनों के एसोसिएशन को भी आप क्या कहते हो? लाइकन कहते हो। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्जी इज कॉल्ड लाइकन, द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो कॉल्ड लाइकन, और सम टाइम ये दोनों होते हैं। ठीक हो गया? फंजाई का इन दोनों के साथ एट ए टाइम रिलेशन, वो भी क्या कहलाता है? लाइकन कहलाता है। सपोज ये एक्सपोज रॉक सर्फेसेज हैं, ये एक्सपोज रॉक सर्फेसेज हैं सपोज, और उसके बाद यहाँ पे अल्जी मौजूद है, यहाँ पे अल्जी मौजूद है, और इन अल्जी के ऊपर फंगस का माइसीलियम आ जाता है, बॉडी ऑफ फंगस क्या कहलाती है? माइसीलियम कहलाती है, और वो किस पर मुश्तमिल होती है? वो मुश्तमिल होती है हाइफी के ऊपर। किसके ऊपर मुश्तमिल होती है? हाइफी के ऊपर। सो देख ले बेटा ये क्या है, फंगस है ऊपर जो है, और उसकी बॉडी है, और उसकी बॉडी को आप क्या कहते हो? माइसीलियम कहते हो, और उसके अंदर कौन रहता है? उसके अंदर अल्गल पार्टनर रहता है जो फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक हो गया? तो ये आपने देखा कि वन पार्टनर इज फंजाई एंड अदर वन पार्टनर इज अल्जी। तो आपने ये एक डायग्राम है छोटी सी, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखी थी। तो ये लाइकन ही है बेटा, लाइकन के अंदर एक फंगस होती है और लाइकन के अंदर दूसरी चीज़ क्या होती है? अल्जी होती है। लाइकन के अंदर जो फंजाई है वो क्या प्रोवाइड करती है? शेल्टर प्रोवाइड करती है और मिनरल आयन प्रोवाइड करती है। लाइकन में मौजूद फंजाई शेल्टर देगी, पनाह देगी, और मिनरल आयन देगी किसको? लाइकन में मौजूद अल्जी को, और अल्जी फोटोसिंथेसिस करेगी और उसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स बनेंगे और ऑक्सीजन रिलीज होगी। सो लाइकन में मौजूद अल्जी प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन टू द लाइकन फंगस। सो इसमें दोनों को फायदा हो रहा है, इट इज़ म्यूचुअलिज्म।
आगे चलते हैं कॉमन सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ओनली वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप, द अदर इज नॉट इफेक्टेड एट ऑल। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें सिर्फ एक जानदार को फायदा होता है, ऐसा ताल्लुक जिसमें एक जानदार को फायदा हो, द अदर इज नॉट इफेक्टेड एट ऑल, जिसमें दूसरे को ना नुकसान होता है ना फायदा होता है और वो बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होता, मुतासर नहीं होता। म्यूचुअलिज्म थी उसमें दोनों को फायदा होता था, कॉमर्शलिज्म में एक को तो फायदा हो जाता है, एक को तो फायदा हो जाता है, दूसरे को ना नुकसान होता है ना फायदा। सो अदर इज नॉट इफेक्टेड एट ऑल। सो ये डेफिनेशन क्लियर की आपने। इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ओनली वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द रिलेशनशिप, द अदर इज नॉट इफेक्टेड एट ऑल। अब देखते हैं एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट। शार्क मे हैव स्मॉल फिश कॉल्ड रिमोरस। शार्क एक बड़ी फिश है, उसके पास छोटी फिशेज होती हैं जिनको रिमोरस फिशेज कहते हैं। वो रिमोरस क्या करती हैं, अटैच्ड टू देम। ये रिमोरस फिशेज शार्क के साथ अटैच हो जाती हैं। एज द शार्क फीड, जैसे शार्क फीड करती है, जैसे शार्क फूड खाती है, द रिमोरस पिक्स अप द स्क्रैप्स। तो जो रिमोरस होगी वो जो बच्चे कुचे टुकड़े होंगे, शार्क खुराक खा रही है और उसके मुंह से जो स्क्रैप्स निकलते हैं, टुकड़े निकलते हैं, पार्टिकल निकलते हैं, उनको क्या करती है, उन पार्ट्स को कौन खा जाती है, उनको रिमोरस फिश खा जाती है। द रिमोरस फिश बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप, रिमोरस फिश को फ़ायदा हो रहा है, द शार्क इज़ नॉट इफेक्टेड एट ऑल। शार्क का कोई नुकसान नहीं हो रहा, ना फ़ायदा हो रहा है शार्क को ना नुकसान हो रहा है। सो एग्जाम्पल देख लें, शार्क्स मे हैव स्मॉल फिश का रिमोरस। शार्क के पास छोटी फिश रिमोरस होती हैं, अटैच टू देम, जो उनके साथ क्या होती है, अटैच होती है। शार्क के साथ छोटी फिश रिमोरस अटैच होती है। एज द शार्क फीड, जैसे शार्क फीड करती है, द रिमोरस पिक अप द स्क्रैप्स। तो फीडिंग के दौरान उसके मुंह से कुछ चीज़ें निकलती हैं जिनको स्क्रैप्स बोलते हैं, रिमोरस इन्हीं स्क्रैप्स को पिक करती है, खा जाती है। द रिमोरस बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप, रिमोरस को इस रिलेशनशिप से बेनिफिट मिल रहा है, द शार्क इज नॉट इफेक्टेड एट ऑल। आगे बेटा हम चलते हैं आपके इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, और वो है ग्रेजिंग। तो ये पहले वाले भी दो शॉर्ट क्वेश्चन थे, एक पूछा जाएगा व्हाट इज लाइकन गिव एग्जांपल, दूसरा पूछा जाएगा व्हाट इज कॉमर्शलिज्म गिव एग्जांपल। तो दो शॉर्ट क्वेश्चन आपने कवर किए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि क्या है, ग्रेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। और कितने इससे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, इससे तीन शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे तो तीन शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एक सिंपल होगा कि व्हाट इज ग्रेजिंग या व्हाट आर ग्रेजर्स, ठीक हो गया, ग्रेजर्स क्या होते हैं या ग्रेजिंग क्या है। एक दूसरा होगा व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मॉडरेट ग्रेजिंग। तीसरा होगा सवाल व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग। सो हम सबसे पहले व्हाट इज ग्रेजर या व्हाट इज ग्रेजिंग इसको कवर करते हैं। मैनी एनिमल लाइक रैबिट्स, गोट्स, शीप्स, काउस, बफेलोज एंड हॉर्सेस फीड ऑन द ग्रास, फीड ऑन द ग्रासेस। बहुत सारे जानवर जिनमें रैबिट खरगोश, गोट बकरियां, शीप भेड़े, काउस गाय, बफेलोज भैंसे, हॉर्सेस घोड़े फीड ऑन द ग्रासेस, वो घास को खाते हैं। दिस मोड ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड ग्रेजिंग, इस तरह खुराक हासिल करने का तरीका क्या कहलाता है, ग्रेजिंग कहलाता है। दिस मोड ऑफ फीडिंग, इस तरह खुराक हासिल करने का तरीका इज कॉल्ड ग्रेजिंग। एंड द एनिमल्स आर कॉल्ड ग्रेजर, और वो जानवर जो घास खाते हैं उन जानवरों को आप ग्रेजर कहते हो और इस तरीके को आप ग्रेजिंग कहते हो। मोड ऑफ फीडिंग ग्रेजिंग है, एनिमल क्या होते हैं, एनिमल ग्रेजर्स होते हैं। ठीक हो गया बेटा, ये आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिया है, व्हाट इज ग्रेजिंग और व्हाट आर ग्रेजर। मैनी एनिमल लाइक रैबिट, गोट, शीप, काउस, बफेलोज एंड हॉर्स दे फीड ऑन द ग्रासेस, दिस मोड ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड ग्रेजिंग एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ग्रेजर्स। दीज एनिमल लिव इन पास्चर लैंड, पास्चर लैंड बोलते हैं बेटा चरागाह, चरागाह जहाँ पे जानवर चरते हैं,
किस चीज़ को चरते हैं? घास को चरते हैं, वहाँ पे सब्जा होता है, तो सब्जा वाली जगह जहाँ पे घास ही घास हो उस ज़मीन को आप पास्चर लैंड कहते हो, या आप उस ज़मीन को क्या कहते हो? चरागाह। ठीक हो गया, उर्दू में कहते हैं चरागाह। ठीक हो गया, सो दिस एनिमल लिव ऑन द पास्चर लैंड। ये जो जानवर होते हैं कौन से जानवर? ग्रेजर, ग्रेजर में ये सारे आते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं? पास्चर लैंड, चरागाह में रहते हैं। वेयर दे फीड ऑन द ग्रासेस, और चरागाह में ये घास को खाते हैं। इसके अलावा किसको खाते हैं? हर्ब्स, जड़ी बूटियों जैसे पौधों को खाते हैं। श्रब्स बोलते हैं झाड़ी वाले पौधे। सो ये एनिमल, ग्रेजर एनिमल कहाँ रहते हैं? पास्चर लैंड में रहते हैं। वेयर दे फीड ऑन द ग्रास, ऑन द हर्ब्स एंड ऑन द श्रब्स। आगे बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग? ओवर ग्रेजिंग का क्या असर होता है? ओवर ग्रेजिंग का ग्रास लैंड के ऊपर क्या असर होता है? ओवर ग्रेजिंग का पास्चर लैंड के ऊपर क्या असर होता है? और नाम से जाहिर है ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जानवर ज़्यादा होंगे, जानवर ज़्यादा होंगे, जब जानवर ज़्यादा होंगे तो वो घास को ज़्यादा खा जाएंगे, तो इस अमल को कहेंगे ओवर ग्रेजिंग। सो आपको पता है कि किसी चीज़ की कमी भी नुकसान का बायस बनती है, किसी चीज़ की ज़्यादती भी नुकसान का बायस बनती है। सो ओवर ग्रेजिंग के क्या इफेक्ट हैं, ये आपका शार्प क्वेश्चन है। दूसरा, इफ़ टू मैनी एनिमल्स आर केप्ट ऑन द पास्चर, अगर काफ़ी ज़्यादा जानवर रखे जाएं चरागाह में, दे ईट द ग्रास डाउन टू द रूट, तो वो घास को जड़ तक खा जाते हैं, इनके घास का सफाया कर देते हैं। दो ग्रासेस आर मोर रेजिस्टेंट देन हर्बेशियस प्लांट, अगरचे ग्रास ज़्यादा मुज़ाहमत रखती है दूसरे हर्बेशियस पौधों से। ये एक घास हो गई और दूसरा हर्बेशियस पौधा हो गया। ये देखिए बेटा, कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, एक है ग्रासेस और दूसरे क्या है? हर्बेशियस प्लांट। अगर एक दफ़ा इनको ग्रेजर आके खा जाए, ग्रेजर आके इन दोनों को खा जाए, तो फिर पहले कौन उगेगी? घास ज़्यादा रेजिस्टेंट रखती है, घास दोबारा जल्दी से उगेगी, बनिस्पत किसके? हर्बेशियस प्लांट के। इसको अच्छी तरह याद रखें कि यहाँ पे जड़ी बूटियाँ हैं, इस साइड पे जड़ी बूटियाँ हैं और इस साइड पे घास है, और इन दोनों को कौन आके खा जाते हैं? ग्रेजर आके खा जाते हैं, इनकी ग्रेजिंग हो जाती है। तो कौन ज़्यादा मुजाहमत रखती है और अबिलिटी रखती है ज़्यादा ग्रो करने की, दोबारा ग्रो करने की तेज़ी से? वो बेटा ग्रास होगी। सो अगर एक दवा इनको ग्रेजर आके खा जाते हैं तो जल्दी से कौन उगेगी? ग्रास उगेगी। देखें इसे इसे के इफ टू मैनी एनिमल आर केप्ट ऑन द पास्चर दे ईट द ग्रासेस डाउन टू द रूट, अगर आप पास्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा जानवर रखो तो वो घास को रूट लेवल तक खा जाते हैं। दो ग्रासेस आर मोर रेजिस्टेंट देन हर्बेशियस प्लांट, अगरचे जो ग्रास होती है वो ज़्यादा मुजाहमत रखती है हर्बेशियस प्लांट से, एंड हैव अबिलिटी टू रीग्रो वेरी फास्ट, और घास के अंदर अबिलिटी होती है रीग्रो करने की वेरी फास्ट, दोबारा रीग्रो बड़ी जल्दी घास करती है। बट द हूव्स ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल ट्रैम्पल द साइल, बट द हूव्स, हूव्स कहते हैं इसकी वाहिद है, इसकी सिंगुलर है हूफ, और उर्दू में से कहते हैं सोम। आपने देखे होंगे ये भेड़ बकरियां, गाय भैंस घोड़े, इनका जो पाँव होता है उस पाँव के बिल्कुल नीचे क्या लगे होते हैं? सुम लगे होते हैं, हूफ लगे होते हैं, हूव्स लगे होते हैं, जो कि बड़े क्या होते हैं? सख्त होते हैं। तो चूंकि जानवर ज़्यादा होंगे तो उन जानवरों के सुम हूव्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो ये जानवरों के जो सुम हैं, जो सख्त पाँव हैं, ये क्या करेंगे? बट द हूव्स ऑफ ग्रेजिंग एनिमल ट्रम्पल द साइल, ट्रम्पल का मतलब होता है, ट्रम्पल का मतलब होता है क्रश करना, क्या करना? क्रश कर देना। ठीक हो गया, द साइल इन टू हार्ड लेयर, कि वो बार बार ज़मीन के ऊपर चलेंगे, वो घास खाने के लिए वो ग्रेजर एनिमल बार बार चलेंगे, जिनकी वजह से उनके जो सख्त हूव्स होंगे वो क्या करेंगे? ज़मीन को क्रश कर देंगे इन टू हार्ड लेयर, और ज़मीन क्या हो जाएगी? सख्त तह में तब्दील हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ विच रेन वाटर विल नॉट पेनीट्रेट द साइल, तो जिसके नतीजे में बारिश का जो पानी होगा वो पेनीट्रेट नहीं कर पाएगा। देखें इधर,
क्या होगा, यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा क्या रखे, यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा ग्रेजर पाल रखे हैं, जानवर पाल रखे हैं, तो उन जानवरों के जो हूव्स होंगे वो क्या करेंगे, साइल को ट्रंपल करेंगे और साइल को क्रश करेंगे, जिसकी वजह से जमीन के जो ऊपर वाले वो बार बार इधर चलेंगे, फिर इधर जा रहे होंगे, इधर खा रहे होंगे, घास को खाते हुए कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, तो उनके जो सख्त हूव्स हैं वो जमीन के ऊपर बार बार लग रहे हैं, जिसकी वजह से जमीन की जो ऊपर की तह है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एक हार्ड लेयर में कन्वर्ट हो जाती है। जब हार्ड लेयर में वो जमीन की तह कन्वर्ट हो जाती है और फिर दोबारा क्या होती है, उस जगह पे बारिश होती है, जब उस जगह पे बादल आते हैं और बादलों से क्या होती है बेटा, बारिश होती है, रेन होती है, तो रेन का पानी उस जमीन में पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, ये बारिश का पानी जमीन में नीचे नहीं जाएगा। नॉर्मली तौर पर क्या होता है, जमीन नरम होती है, जैसे ही बादल आते हैं, बारिश होती है, वो पानी नीचे चला जाता है, पानी जमीन पानी को पेनिट्रेट करती है, जमीन पानी जो जमीन होती है वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है और पानी नीचे चला जाता है, और पानी का नीचे जाना जरूरी होता है और वो शो करता है कि जमीन क्या है, फर्टाइल है, जमीन जरखेज है। लेकिन अब क्या सूरत हाल है, अब अपोजिट सूरत हाल है, उन जानवरों के जो हूव्स थे उन्होंने जमीन को सख्त कर दिया है। जब जमीन सख्त हो जाती है तो जब बारिश का पानी होता है वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाता, नीचे अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो फिर आपको पता है कि जब पानी वहाँ खड़ा रहेगा तो पानी उस जगह जाएगा जहाँ पे गहराई होगी, सपोज यहाँ पे इस साइड पे गहराई है तो सारा पानी उस साइड पे जाना शुरू कर देगा, और जब पानी उस साइड पे मूव करता है तो अपने साथ जमीन की ऊपर वाली तह को भी बहा जाता है, तो अपने साथ जमीन की ऊपर वाली तह को भी बहा जाता है, और उस अमल को आप क्या कहते हो, सॉइल एरोजन, जमीनी कटाव, उससे जमीन क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है, और काफ़ी अरसे के बाद वो बैरन जमीन किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेजर्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो देखें शाबाश, ये कंसेप्ट आप देख रहे हैं कि बट द हूव्स ऑफ द ग्रेजिंग एनिमल ट्रैम्पल द सॉइल इनटू हार्ड लेयर, ग्रेजिंग एनिमल के जो हूव्स होते हैं, सम होते हैं, वो जमीन को क्रश करते हैं, जमीन सख्त तह में तब्दील हो जाती है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच रेन वाटर विल नॉट पेनीट्रेट दिस सॉइल, पानी बारिश का पानी उस सॉइल को पेनीट्रेट नहीं कर पाएगा, इट रन ऑफ फ्रॉम द अपर सरफेस, तो वो जमीन के ऊपर वाली सतह के ऊपर से ही बहेगा, रिमूविंग द टॉप सॉइल, वो टॉप सॉइल को भी जमीन की ऊपर वाली तय को भी रिमूव कर देगा और अपने साथ बहा ले जाएगा, इस अमल को सॉइल एरोजन कहते हैं, उससे जमीन की जरखेजी कम होती है और जमीन बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है। अब द फाइनल रिजल्ट ऑफ ओवर ग्रेजिंग इट टोटली बैरन लैंड है। अब ओवर ग्रेजिंग का जो फाइनल रिजल्ट होगा क्या निकलेगा, कि अगर जानवर चरते रहे इसी तरह ओवर ग्रेजिंग होती रही तो उसका फाइनल रिजल्ट होगा बेटा बैरन लैंड, बंजर जमीन। ग्रेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इकोसिस्टम। ठीक हो गया बेटा, एक आखिरी लाइन भी इधर इसी में आपने ऐड कर देनी है, ये लास्ट लाइन, ये क्या है कि ओवर ग्रेजिंग मे लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रास लैंड इन टू डेजर्ट, कि ओवर ग्रेजिंग के नतीजे में जो एक ग्रास लैंड होता है, जो एक घास का बड़ा मतलब मैदान होता है, जो एक सब्जाजार जगह होती है, जो एक चरागाह होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, सहरा में कन्वर्ट हो जाती है एक प्रोसेस के ज़रिए, उस प्रोसेस का नाम होता है डेजर्टिफिकेशन। अगर कोई ज़मीन सहरा में तब्दील हो तो आप उसे क्या कहते हो, डेजर्टिफिकेशन। सो ओवर ग्रेजिंग मे लीड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रास लैंड इन टू डेजर्ट, कि ओवर ग्रेजिंग से क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, तब्दीली हो जाती है, किसकी, ग्रास लैंड की, किसके अंदर, डेजर्ट के अंदर, सहरा के अंदर। सो ओवर ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए। पहली बात ये थी कि ओवर ग्रेजिंग में होता क्या है, ओवर ग्रेजिंग में बहुत सारे जानवर रखे जाते हैं पास्चर के ऊपर, और जिसके नतीजे में वो घास को रूट लेवल तक खा जाते हैं, अगरचे घास के अंदर रेजिस्टेंट है हर्बेशियस प्लांट के मुकाबले में और उसके अंदर जल्दी ग्रो करने की सलाहियत होती है, लेकिन जो इतने ज़्यादा जानवर रख दिया आपने, वो जानवरों जो होते हैं उनके जो हूव्स होते हैं वो जो टॉप सॉइल होती है उसको हार्ड लेयर में कन्वर्ट करते हैं, जिसके से बारिश का पानी पेनिट्रेट नहीं कर पाता और फिर बारिश के पानी के साथ ज़मीन के ऊपर वाली तह भी बह जाती है, इसको सॉइल एरोजन कहते हैं। और फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा ओवर ग्रेजिंग का, बैरन लैंड निकलेगा, और ओवर ग्रेजिंग से वो जो ग्रास लैंड है, वो जो पास्चर है, वो डेजर्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है। लिहाजा ग्रेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इकोसिस्टम, ग्रेजिंग इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को डिटरमाइन करने में।
अगला शॉर्ट क्वेश्चन, तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ मॉडरेट ग्रेजिंग ऑन द इकोसिस्टम, कि मॉडरेट ग्रेजिंग का ग्रासलैंड इकोसिस्टम के ऊपर क्या असर होगा। तो ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि मॉडरेट ग्रेजिंग इज वेरी हेल्पफुल टू मेंटेन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, कि मॉडरेट ग्रेजिंग जो होती है ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम को बरकरार रखती है। अगर मॉडरेट ग्रेजिंग होती रहे, मॉडरेट ग्रेजर को रखा जाए और वो मॉडरेट ग्रेजिंग करते रहे, तो इससे आपका जो घास का जो मैदान है, जो चरागाह है, जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, वो क्या रहता है बेटा, इसकी वजह से वो मेंटेन रहता है, बरकरार रहता है। उससे क्या होगा, क्या अहमियत है, इट डिस्ट्रॉय द कंपिटिटर एंड आल्सो एंड हेल्प द ग्रास टू ग्रो वेल, इसका कंसेप्ट आपने समझना है। मॉडरेट ग्रेजिंग किस तरह ग्रासलैंड इकोसिस्टम को मेंटेन करती है, ये दोबारा बेटा मैं बना रहा हूं। ये सपोज ग्रास है और यहां ग्रास के कंपिटिटर मौजूद हैं और वो क्या है, हर्बेशियस प्लांट है। कौन से प्लांट, हर्बेशियस प्लांट है। कौन आए, ग्रेजर्स आए और उन्होंने क्या की, घास की भी ग्रेजिंग की और हर्बेशियस प्लांट की भी ग्रेजिंग की, तो एक बार ये सारी चीजें क्या होगी, साफ होगी। उसके बाद कौन ज्यादा रेजिस्टेंट थी, ये जो ग्रास थी ये ज्यादा रेजिस्टेंट थी और किसके अंदर एबिलिटी थी टू रीग्रो वेरी फास्ट, ग्रास के अंदर। तो कुछ टाइम के बाद ग्रास, कुछ दिनों के बाद ग्रास दोबारा उगाएगी, लेकिन अभी तक ये नहीं उगे होंगे, क्योंकि ग्रास को स्पेस मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, खुराक मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी, तो ग्रास उस जगह भी आ जाएगी। सो देखा आपने, ग्रास मुकाबला जीत गई है किससे, हर्बेशियस प्लांट से, अपने कंपिटिटर से। सो मॉडरेट ग्रेजिंग जो होती है वो किसी भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बड़ी जरूरी होती है। क्यों, क्योंकि मॉडरेट ग्रेजिंग जो होती है डिस्ट्रॉय द कंपिटिटर, जहां पे जो हर्बेशियस प्लांट थे, मॉडरेट ग्रेजिंग ने उनको क्या कर दिया, उन कंपिटिटर को डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड हेल्प द ग्रास टू ग्रो वेल, और ग्रास की हेल्प करती है कि ग्रास आप अच्छी ग्रो करो, आपके अंदर मुजहमत भी है, आप ग्रो भी वेरी फास्ट करते हो, तो आप आ जाओ। मॉडरेट ग्रेजिंग हुई, दोनों चीजें साफ हो गई, लेकिन चूंकि ये रेजिस्टेंट थी, इसके अंदर रीग्रोथ की एबिलिटी ज्यादा थी, तो घास आ गई और वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। सो ये फायदा मिलता है मॉडरेट ग्रेजिंग का, कि मॉडरेट ग्रेजिंग की वजह से ग्रास और इकोसिस्टम मेंटेन रहते हैं और इससे कंपिटिटर जो ग्रास के होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ग्रास क्या करती है, ग्रो वेल करती है। सो ये बेटा आज आपका टॉपिक था। लॉन्ग फ्रेस।